चार बजते ही स्कूल की घंटी बजी। लकड़ी की काट ही मछली जल की रानी है, जैसी बच्चों की कविताओं से गूंजते और इसके लेकर खड़ी मॉनिटर की क्लासरूम में जब स्पाइसी शुगर की सदस्य पहुंची तो मानो बचपन लौट आया। पीटी सर की सीटी और जेब खर्च के लिए चवन्नी इंटरवल में लंच ब्रेक के साथ खूब मस्ती हुई। शैतानी करने पर कान पकड़कर सजा भी मिली। संस्था की सदस्याओं ने अपने स्कूली दिनों के अनुभव को भी साझा किया। वहीं शहर की प्रतिष्ठित शिक्षिकाओं शिक्षा सिंघल व नीलम मल्होत्रा ने भाग दौड़ वाली जीवन शैली के दौर में बच्चों को बढ़ते तनाव को ऐसी महामारी बताया जिसे ब्लड टेस्ट या एक्सरे से नहीं जाना जा सकता। कार्यक्रम के प्रारंभ में दोनों शिक्षिकाओं को संस्थापिका पूनम सचदेवा ने स्वागत पुष्प भेंट कर किया। शिक्षिकाओं ने कहा कि बच्चे हमारा भविष्य हैं, जो ओस की बूंदों की तरह नाजुक हैं। लेकिन आजकल स्कूल, ट्यूशन, सोशल मीडिया, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के दबाव में बच्चों के चेहरों से मासूमियत और भोलापन कहीं खो गया है। एकल परिवारों के दौर और माता पिता दोनों के वर्किंग होने से बच्चों को चाचा चाची, ताई ताऊ, दादा दादी जैसे रिश्तों का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अंत में शिक्षिकाओं ने क्लब की सदस्याओं के सवालों के जवाब भी दिए। स्पाइसी शुगर्स क्लब अपने थर्ड सीजन में भी अलग अलग लोगों को लेके आ रहा है, अलग फील्ड से डिफरेंट एक्सपर्ट्स को लेके आ रहा है और कुछ ना कुछ हर बार नया लेके आ रहा है। तो इस बार हमने सोचा क्यों ना अपने बचपन के दिनों को थोड़ा याद कर लिया जाए। बहुत सारी फन मस्ती उसके साथ साथ आज है एक ज़बरदस्त लर्निंग फॉर एवरीवन। आई मीन पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चों के ऊपर कोई बर्डन ना डालें, स्ट्रेस ना दें पढ़ाई का। उसके साथ साथ हम कुछ अपनी स्कूल मेमोरीज़ को शेयर करने वाले हैं और बहुत कुछ होने वाला है आज हमारे इवेंट में। हाँ, आज का जो कार्यक्रम स्पाइसी शुगर्स ने ऑर्गेनाइज़ करा उसका टॉपिक बहुत ही अच्छा था। उन लोगों ने बोला कि हमें बोलना है कि आज का जो स्ट्रेस है बच्चों को वो कैसे ख़त्म हो सकता है और उसके कॉजेज़ क्या हैं। जब तक हमें कॉजेज़ नहीं पता पड़ेंगे तब तक हम उसको ख़त्म भी नहीं कर सकते। तो आजकल का जो सिचुएशन है, इतना सोशल मीडिया है, इतना मोबाइल का यूसेज है, इतना प्रेशर है, इतना कंपटीशन है, यही सब बातों पर चर्चा करी। फिर शिखा मैम ने कॉजेज जो सुनकर फिर उनके उपाय बताए कि किस तरह से वो स्ट्रेस हम कम कर सकते हैं, पेरेंट्स किस तरह से वो स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। आज हमें स्पाइसी शुगर्स में स्ट्रेस के ऊपर बोलने के लिए बुलाया गया है। तो हमारा जो डिस्कशन हुआ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। हमने बताया कि बच्चों को आजकल इतना स्ट्रेस क्यों हो रहा है और पेरेंट्स और टीचर्स इस स्ट्रेस को ख़त्म करने में क्या भूमिका निभा सकते हैं। हमने बताया कि पेरेंट्स को अवेयर होना चाहिए बच्चों को स्ट्रेस से निकालने के लिए, उनके साथ एक फ्रेंडली एटीट्यूड रखना चाहिए पेरेंट्स को, टीचर्स के साथ उनकी प्रॉब्लम शेयर करनी चाहिए और पेरेंट्स को बच्चों को मॉरल्स, कल्चर, ट्रेडिशंस, इन सब चीज़ों के साथ ले करके चलना चाहिए। तो सारी लेडीज़ ने बहुत अच्छी तरह से हमारे साथ इंटरेक्ट किया और बहुत अच्छा सेशन रहा हम लोगों का। इस अवसर पर मुख्य रूप से शिल्पा महेश्वरी रायना, रितु कपूर, चांदनी, पावनी सचदेवा, रिम्पी जैन, शिल्पा कत्याल, अलका वंसल, शिल्पा लूथरा, पूजा ओबरॉय, तनुजा मांगलिक, शिक्षा जैन, शीना सोनी आदि उपस्थित थीं।